नमस्कार, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में कुपोषण से मुक्ति के लिए रायपुर में स्वादिष्ट चना योजना की शुरुआत की गई है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की है। वहीं सीएम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चना योजना का शुभारंभ करते हुए 10 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर बस्तर और दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया, जहाँ योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पौष्टिक आहार के रूप में चुनाव वितरित किया जाएगा। का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, खास करके मुख्यमंत्री जी के उन सोच के लिए, उन कार्यक्रमों के लिए जो आज आदिवासी अंचलों में जो बटने वाली स्वादिष्ट चना है उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सभी 85 आदिवासी ब्लॉक्स में और माडा क्षेत्र में इसका आवंटन जाएगा और वहां पर चना वितरण आज से शुरू हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुपोषण के खिलाफ हमने जंग छेड़ा है, कुपोषण मिटा के लाना है और इस कड़ी में सुपोषित बस्तर, सुपोषित दंतेवाड़ा का अभियान हमने शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की शुरुआत की है। आज खाद्य विभाग के द्वारा यहां से चना रवाना किया जा रहा है, चना, नमक और बाद में गुड़ भी प्रति परिवार को 2 किलो के हिसाब से दिया जाएगा। कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई 70 सालों में पहली बार देश के नगरी संकट से जूझने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जनता को मूल मुद्दों से भटकाकर अन्य मुद्दों पर बात करने का आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा आर्थिक और जनता के मुद्दों पर कभी बात नहीं करती, चुनाव है भी 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर वोट नहीं मांगे, वो कभी पुलवामा तो कभी बालाकोट की बात करती रही, अभी भी जो मूल मुद्दे हैं उससे हटकर अन्य मुद्दों पर बात हो रही है। आर्थिक मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती और चुनाव में भी देखें कि वो 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर वोट नहीं मांगे, वो कभी पुलवामा और कभी बालकोट की बात करते रहे। तो ये इस प्रकार से अभी भी जो मूल मुद्दे हैं उससे हटाकर अन्य मुद्दे पे, कल जैसे चिदम्बरम जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो यही है कि मूल मुद्दे को हटाकर दिन भर लोगों को वही परोसा जाए, दिखाया जाए, वही बताया जाए, तो कब तक के लोगों का ध्यान हटा सकते हैं। और अब देखिए रायपुर से आई हमारी खास रिपोर्ट। जागत सपनों की खातिर जो नींदे अपनी खो देते हैं, नए वक्त की दहलीजों पर उम्मीदें बो देते हैं, अपने कर्म की शक्ति से जो गगन धरा पर लाते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं वही इतिहास बनाते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कर्मयोगी माटी पुत्र की, जिसने कठिन संघर्षों और दृढ़ इच्छा शक्ति से एक नूतन कीर्तिमान स्थापित किया है। दुर्ग की सुरमई छाव में पाटन के नजदीक एक गांव है कुरुडी। इसी पावन भूमि के एक साधारण कृषक परिवार के उपमन में एक ऐसा पुष्प खिला जो आगामी भविष्य में छत्तीसगढ़ की सुरभि को आनंद तक पहुँचाने वाला था, मगर किसी को इसका पता ना था। मर्रा और कुरुडी गांव के स्कूलों से इस माटी पुत्र ने अक्षर की धूप सहेजी और साइंस कॉलेज रायपुर के आगोश में रहकर युवा सपने साधे। लक्ष्य था छत्तीसगढ़ की माटी के लिए कुछ कर गुजरने का। विलक्षण प्रतिभा वाले सन्यासी स्वामी आत्मानंद जी के परिवार में डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी की सुपुत्री सौभाग्यकांक्षी मुक्तेश्वरी जी के साथ आप पढ़ने सूत्र में आबद्ध हुए। इन्हीं वर्षों में कृषि कार्यों की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ ग्रामीणों के सुख दुख में भी आप शामिल होने लगे। उन दिनों आप 30 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर में गौशाला के लिए रोजाना चारा भी लाया करते। इसी दौर में आपने समझी निरीह छत्तीसगढ़ वासियों की अंतस वेदना। आपकी नैतिक कर्म शक्ति का ही प्रताप रहा कि आप चंदूलाल चंद्राकर जी के संपर्क में आए, जिन्होंने आपकी लगन को देखकर युवक कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष पद पर आपको आसीन किया। इसी समय काल में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले श्री वासुदेव चंद्राकर जी, जो आपके राजनीतिक गुरु रहे, उनके संरक्षण में आपने स्वस्थ राजनीतिक
जीवन की ओर अपना पहला कदम उठाया और छत्तीसगढ़ के जन जन के मन की कथा को समझा, उनकी भयावह स्थिति को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। वर्ष 1993 में आपको पहली बार विधायक का टिकट मिला, जिसमें आपने अभूतपूर्व जीत हासिल की। आपकी सक्षम कार्यशैली का ही शुभ परिणाम था कि सन 1998 में आपको तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जन समस्या निवारण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। वर्ष 1999 में आप अविभाजित मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भी बने। आप ही ने प्राइवेट बसों का संचालन बंद करवाया, जिससे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम मुनाफे में आया। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ ने पृथक राज्य होने का गौरव पाया, तब आप पहली सरकार में मंत्री बने। आप प्रबलता से मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर सकते थे। तब आपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हुए राजस्व राहत कार्य PHE पुनर्वास मंत्री का पद स्वीकार किया और प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की। वर्ष 2003 में आपने पुनः विधानसभा चुनाव जीता, मगर सरकार आपकी नहीं बनी। वह विपक्ष में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पार्टी और जनता की सेवा में रत रहे, मगर आगे का सफर आसान नहीं था। वर्ष 2008 में पहली बार लगातार 3 जीत की श्रृंखला टूटी और आपको पराजय से साक्षात्कार करना पड़ा। वर्ष 2013 में अंतस को झिंझोड़ देने वाला झीरम कांड घटित हुआ, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की नृशंस हत्या कर दी गई। ऐसे भयावह समय में जब पार्टी भीतर से टूटती नजर आ रही थी, आपने पार्टी की बागडोर संभाली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को नए सिरे से सहेजा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोया और विजय संकल्प के लिए उत्साहित किया। लेकिन विरोधी दल से आहत होते रहे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर आपको कारावास करना चाहिए। 75 वर्षीय बीमार माँ को फर्जी जांच के नाम पर प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन स्थितियों से आप विचलित हुए बिना निरंतर कर्म पथ पर बढ़ते रहे। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी कांग्रेस अध्यक्ष को दूसरी बार भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जिसका दूरगामी परिणाम था वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने आपसे पूछा था, आप अन्य राज्यों के अध्यक्षों की तुलना में इतना बेहतर कैसे कर लेते हैं? आपका जवाब था, हो सकता है बाकी अन्य ये सोचते हों कि वो है तो पार्टी है, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी है तो मैं हूँ, मेरा अस्तित्व ही मेरी पार्टी है। इसी समर्पण भाव का नतीजा था वर्ष 2018 की विराट जीत। यही वर्ष था जब गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ बदलाव का नव विकास दौर प्रारंभ हुआ। आपका छत्तीसगढ़िया होने के गर्व का भाव और लगन को देखते हुए शपथ ग्रहण के 2 घंटे के भीतर आपने प्रदेश के लाखों किसानों के करीब 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर अन्नदाताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। आगामी समय में धान बोनस वितरण किया, समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई, बिजली बिल को आधा किया गया, नरवा गरवा घुरवा बारी जैसी योजना शुरू की, आदिवासी माटी पुत्रों को उनकी भूमि वापस लौटाई गई, सामूहिक अधिकार पट्टा प्रदान किया गया, जिस पर गर्व करता है छत्तीसगढ़। गर्व करता है छत्तीसगढ़ ऐसे विकास माटी पुत्र पर, जिसका जीवन छत्तीसगढ़ के जन के मन के लिए है। हर छत्तीसगढ़िया की सेवा करना जो अपना कर्तव्य समझता है, छत्तीसगढ़ की उन्नति ही जिसका कर्म भी है और धर्म भी, वही कर्मयोगी, भविष्य दृष्टा, विकास पुरुष, माटी के लाल है हमर मुख्यमंत्री, हमर भूपेश बघेल। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिवस पर रायपुर में NSUI के कार्यकर्ताओं ने कुपोषण के खिलाफ हल्ला बोल किया। आपको बता दें हाफ मैराथन का आयोजन यहां पर किया गया, जहां पर खुद CM भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। मैराथन में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही NSUI कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मैराथन में मैराथन सीएम हाउस से शुरू हुई और कलेक्ट्रेट चौक भगत सिंह चौक से होते हुए वापस मुख्यमंत्री निवास पहुंची, जहां पर इसका समापन हुआ।
जहां सीएम ने सभी से कुपोषण की रोकथाम के लिए आगे आने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में 41.5% महिलाएं और इसके खिलाफ हमने 16 तारीख को ही कुपोषित बस्तर का अभियान शुरू किया है। वहाँ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की शुरुआत की है। कुपोषण के खिलाफ जंग केंद्र सरकार ने छेड़ा है और आज इन्हीं सिवाय के हजारों बच्चे मैराथन कर रहे हैं। वहाँ इन्हीं सिवाय के और छात्र छात्राएं इसमें जुड़े हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है। यदि मजबूत छत्तीसगढ़ हम चाहते हैं, समृद्ध छत्तीसगढ़ चाहते हैं, स्वस्थ छत्तीसगढ़ चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पतलगांव में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सिविल अस्पताल पहुंचकर लोगों को फल बांटे। अस्पताल में प्रदेश कांग्रेस की सचिव आरती सिंह भी मौजूद रही। पार्टी के लोगों ने मरीजों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना यहाँ पर की है और भूपेश बघेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अस्पताल के मरीजों ने भी सीएम बघेल को जन्मदिन की बधाई दी। भूपेश बघेल जी से उनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज यहां फल वितरण किया गया, जिससे पूरा मरीजों की ओर से भूपेश बघेल जी को पूरा हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है और हम उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली मंदिर में हवन पूजन किया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि सीएम बघेल के जन्मदिन पर प्रदेश के तमाम मंदिरों में कार्यकर्ता पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान मां काली से भूपेश बघेल की लंबी उम्र और प्रदेश के किसानों और बेरोजगारों का उद्धार करने की कामना की गई। वहीं बघेल को आरक्षण बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया गया। ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री है जो बिना आंदोलन धरना प्रदर्शन के इन्होंने हमारी मांग को पूरी कर रहे हैं। जिन दुखियों की पिछड़ा वर्ग संगठन 27 देवी देवता 27 महापुरुषों का पूजा अर्चना कर रहा है, जिसमें काली माई मंदिर भी है, दुर्गाधारी मंदिर भी जाएंगे हम लोग और पूरे छत्तीसगढ़ में 27 स्थानों पर पूजा अर्चना होगा। आज माननीय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है, इसलिए पूजा याचना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी लंबी आयु हो और छत्तीसगढ़ का जो 15 साल में बेड़ा गर्क हुआ है उसका उदाहरण हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को उनका हक मिले, ये सब भगवान से दुआ मांग रहे हैं। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत जिला पुलिस बल को 3 इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। सभी नक्सली परसपाल इलाके में कच्चे घाटी से गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी ऑफिस से जारी प्रेस नोट पर दावा किया गया है कि गिरफ्तार तीनों नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय थे। साथ ही फरसपाल पुलिस और डीआरजी के गश्त में कच्चे घाटी से तीनों नक्सलियों को पकड़ा गया है। नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफल हुए। 3 नक्सली जो है वो बेचापाल एरिया बीजापुर एरिया के हैं, जो कि दंतेवाड़ा में आए थे और यहाँ कुछ घटना करने की नियत से रेकी कर रहे थे, जिनको हमने पकड़ा। पहले से काफ़ी अपराधों में ये संलिप्त है और एक को हमने जवेली से गिरफ्तार करने में सफल हुआ है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने वाली कंपनी कंसोल इंडिया के ऑफिस में ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। ईओडब्ल्यू ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, इसकी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंबुजा मॉल कंसोल के कार्यालय में ही क्यूब इंडिया का भी ऑफिस है। दोनों पीआर एजेंसी हैं और पिछली सरकार में एजेंसी को भारी रकम संवाद के जरिए दी गई थी। इसके साथ ही करीब 22 एजेंसियों की शिकायत सरकार से की गई है, इसकी जांच ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है। अपराध क्रमांक 9/19 जो संवाद में जो दर्ज किया गया था, उसमें कंसोल और क्यूब्स इंडिया को 91 सीआरपीसी का पहले नोटिस दिया गया। उसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे दस्तावेज अपने को दिया था
और कुछ और दस्तावेज की अपने को जरूरत थी, इसलिए उस संदर्भ में जो हमारी टीम वहाँ गई हुई थी और उनसे जो है कुछ जानकारियाँ लेकर के वापस लौटी है, और उन जानकारियों के बेस पे अब हमारी टीम और विवेचना में आगे बढ़ेंगे। और निगम हॉल स्थित कंसोल ग्रुप के ऑफिस पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है। पिछली सरकार के दौरान सवाल से इस ग्रुप को टेंडर जारी हुआ था, उसी मामले में FIR हुई थी और उसी के चलते यहाँ पर जो ईओडब्ल्यू की टीम है यहाँ पर पहुँची है। अंदर जो तमाम ग्रुप से जुड़े लोग हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है। जिस तरीके से टेंडर मामले को लेकर FIR हुई और उसके बाद लगातार इस पर जांच चल रही है, और आप देख सकते हैं बाहर कंसोल ग्रुप के जो ऑफिस है उसके बाहर तमाम जो पुलिसकर्मी भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये भी इसमें जानकारी मिल पाई है कि 12 बजे के आसपास जो ईओडब्ल्यू की टीम है वो यहाँ पर पहुँची, और पहुँचने के बाद सीधे जो यहाँ से ग्रुप से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी, और अभी भी तमाम जो वो लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो टेंडर से जुड़े दस्तावेज हैं उसको भी खंगालने की कोशिश ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पर कर रही है। हालांकि जांच के बाद क्या कुछ इसमें निकल कर आ पाता है, क्या चीजें यहाँ से प्राप्त होती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा मैन जयराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रामजगढ़ के कंडरजा गांव के लोग हाथियों के गांव में घुसने से परेशान हैं। करीब 13 हाथियों का दल अचानक गांव में घुस गया, जिससे गांव वालों में हड़कंप मच गया है। सभी गांव वाले अपने घर छोड़कर बाहर निकल आए और शोर मचाकर हाथियों को खदेड़ने में कामयाब रहे। रात की बात यह रही है कि हाथियों के घुसने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फसलों को नुकसान जरूर हुआ है। और अब खबर बस्तर से, जहां पर परिवहन संघ ने जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया है। अधूरे फोर लेन सड़क पर टोल लेने के विरोध में चक्का जाम किया गया है। सैकड़ों की संख्या में संघ के सदस्य घटलुंगहा स्थित टोल प्लाजा पहुंचे। संघ के लोगों को स्थानीय व्यापारियों और शहरवासियों का भी समर्थन मिल रहा है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर पुलिस ने रात में राहजनी करने वाले 3 युवकों को पकड़ा है। गिरोह के ये आरोपी रात में कार से निकालते और लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 2 दिन पहले भी आरोपियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रक ड्राइवर को लूटा था। गिट्टी से बड़े गाड़ी में अनलोडिंग कर रहा था, इसी समय 3 अज्ञात व्यक्ति गाड़ी में आए और इनसे एयर पिस्टल रखे हुए थे इसे, और एयर पिस्टल के सहारे इसको डरा धमका कर इसके पास से मोबाइल और पैसे लूट लिए थे। इसकी सूचना पर पुलिस अधिकारियों द्वारा सिविल लाइन पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश। राजनांदगांव में दिन दहाड़े चोरी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से 3.5 लाख का चोरी का माल भी जब्त किया है। आरोपी ने 20 अगस्त को एक सोने घर में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे जो टीम को एक सफलता मिली, मुखबिर सूचना मिली कि ये जो साइकिल फला दुकान की है और ये फला व्यक्ति द्वारा ये साइकिल को लिया गया था। इस पर हम जब आगे बढ़े तो वो आदमी हमको मिल गया। वो आदमी काली मंदिर के पास एक भाटिया जी के घर में रुका हुआ था, और जब इससे पूछताछ करने पर पता चला कि हाँ, हमने वहाँ से सामान चोरी किया। कोरिया जिले के मनिंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में कई ग्रामीण नाबालिकों और युवाओं को काम का लालच दिलाने को लेकर यहां पर अन्य प्रदेशों में ले जाकर जबरिया काम कराने और उन्हें वापस न आने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी 2 आरोपी फरार हैं। के दौरान
सभी बच्चों को सिकंदराबाद और नासिक से बरामद कर लिया गया था, किंतु उसी दौरान आरोपीगण को पता चला गया कि रिपोर्ट हो गया है, तो सबसे फरार चल रहे थे। आज मुखबिर से सूचना मिला कि मामले का आरोपी सुग्रीव को अपने घर आया हुआ है। सूचना पर दबिश देकर लाया गया सुग्रीव को, पूछताछ कर कथन लिए जाने पर अपराध स्वीकार करने पर गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कोरबा में कोतवाली थाने की राताखार बस्ती निवासी व्यक्ति ने आधा दर्जन दुधारू भैंस चोरी होने की शिकायत पुलिस में की है। बैंक से लोन लेकर खरीदी गई भैंसों के चोरी होने से मवेशी मालिक के सामने आर्थिक संकट और लोन चुकाने की समस्या खड़ी हो गई है। मवेशी मालिक का कहना है कि प्रतिदिन प्रति मवेशी 16 लीटर दूध मिलता था, भैंसे घर से पास मैदान में चारा खाकर वापस आ जाती थी, लेकिन घटना के दिन वापस नहीं आई। आसपास गांव और कांजी हाउस में तलाश करने पर भी उनका पता नहीं चला है। तब पुलिस से शिकायत इस पूरे मामले की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मवेशियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित ने मवेशियों के पता बताने वालों को उचित इनाम देने की घोषणा भी की है। जब मवेशी मिल जाए ना, अगर कोई बता दे भाई तो चलते मोर मतलब जिंदगी चलत है। जियत खात पड़े हैं सर, लागा बोली सर छूटा था अपन, तो आने काम कुछ कर भी नहीं पाऊँ मैं सर। तो मोर मवेशी मिल जाना तो बोले 2100 रुपये दू और मोर जानवर आ जाही। तो और अब खबर कोरबा से है, जहां पर सर्पदंश की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां अलग अलग इलाकों में 48 घंटे में सांप के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से कई मामले तो अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक मामला मुडाली से सामने आया है, जहां पर युवक को सांप ने डस लिया और परिजन पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में लगे रहे। इसी दौरान युवक की तबीयत बिगड़ता देख परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। अच्छा, ये सब डॉक्टर लोगों को लापरवाही की वजह से हुआ। क्या डॉक्टर नहीं थके हैं जब आए तो? हाँ। तो क्या हुआ फिर? सुबह से तो इलाज कर रहे थे, जब से आए तब से इलाज कर रहे थे, कैसे हो गया? छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।